मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी नेता के भतीजे ने महिंद्रा थार से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या का दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने थार से युवक को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक स्थानीय पार्षद का रिश्तेदार था। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच निकाय चुनाव के समय से रंजिश चल रही थी। घटना के बाद नाराज परिजनों और समाज के लोग ने मृतक की लाश रखकर 4 घंटे से अधिक तक चक्का जाम किया। मकरोनिया चौराहे पर वार्ड नंबर 11 के रहवासी और यादव समाज के लोग पहुंच गए। तनाव भरे माहौल को देखते हुए जिले के दोनों एडिशनल SP, DSP, CSP, SDOP सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों के कई थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला। बाद में हंगामा शांत कराया गया और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि हत्या चुनावी रंजिश के चलते करने की बात कही जा रही है। मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से सोनू यादव की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए बीजेपी लीडर मिश्री चंद गुप्ता की पत्नी को हराया था, जिसके बाद से ही गुप्ता परिवार, यादव परिवार और उनके समर्थकों के बीच मनमुटाव चल रहा था। शुक्रवार को भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता रात करीब 11 बजे भाई भतीजे के साथ डेयरी पर पहुंचा था। यहां पर उनके और जगदीश यादव के बीच विवाद हो गया। इसके दौरान भाजपा नेता के भतीजे लवी गुप्ता ने 25 वर्षीय जगदीश यादव पर थार चढ़ा दी। घटना में उसकी मौत हो गई। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने पीड़ित परिवार के कहने पर भाजपा नेता और अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की और सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चक्का जाम करने वाले लोगों ने पुलिस से कहा कि भाजपा नेता और उसके परिवार के लोगों ने जगदीश की हत्या की है, आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। प्रशासन ने नाराज लोगों की मांग को देखते हुए तत्काल ही भाजपा नेता के होटल की नपाई करवाई। जगदीश की हत्या के मामले में मकरोनिया थाना में लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, मिश्री चंद्र गुप्ता, वकील गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और आशीष मालवीय पर धारा 302, 323, 294, 506, 147 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक आरोपी वकील चंद गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार शुक्रवार की रात में एक युवक की हत्या की गई। मामले में 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। अब आरोपी बीजेपी नेता के होटल को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। बचने को चांस ही नहीं मिलेगा।